यास्मिन, सुना है तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है और तुमने बताया भी नहीं, ना हमें बुलाया। अरे भाई, अगर इसकी बेटी ने अपनी पसंद के लड़के से घर से भागकर शादी की है, उसने तो माँ बाप को भी नहीं बुलाया, फिर मैं और तुम कौन होते हैं? घर से भागकर शादी? एक्सक्यूज मी, मतलब अगर उसने अपनी पसंद से शादी कर ली है तो इसमें क्या मसला है? इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है जो आप सब लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं। तुम्हें पता है उसने हरकत ही घटिया नहीं की, बल्कि उसकी तो पसंद भी बहुत घटिया है। यू नो, मामूली से बैंक का एक छोटा सा मुलाजिम है वो, और सिटी में छोटे से घर में रहता है। Now enough is enough, सुल्ताना। एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल हो गई है यार। अच्छा, और वो जो तुमने मुझे और मेरे बेटे को मंगनी के नाम पे बेवकूफ बनाया था वो क्या? और बस इतना ही नहीं, तुम्हारी बेटी मेरे घर में आके मेरे बेटे पे झूठे सच्चे इल्जाम लगाती है, और 2 लाख रुपया, यू नो, 2 लाख रुपया एंट कर गई है वो। तुम्हारे घर आकर तुमसे 2 लाख रुपए लेके गई है? झूठ बोल रही है ना ये? हाँ हाँ, सीरियसली, अब तुम लोग भी ध्यान रखना इस बात का, कभी भी किसी के घर भी वो आ सकती है, क्योंकि उसका कंगला शौहर उसकी याशियां जो पूरी नहीं कर सकता। खबरदार यास्मीन, एक बार तो बेवकूफ बन चुकी हो तुम्हारे हाथों, मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुल्ताना खामोश बेटा, आप घर पर आए, चलो चलो चलो, सेलर टू जस्ट लीव ना रुद्रत, या मैं चली जाती हूँ या ये चली जाए। नो प्लीज, यू सिट, लेके जाओ प्लीज। आ जाओ सुल्तान। यास्मीन प्लीज आ जाओ। टू मच।